नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जाने माने कथाकार भालचंद्र जोशी के कहानी संकलन तितली धूप के साथ उपस्थित हूँ। भालचंद्र जोशी पेशे से इंजीनियर रहे हैं। 17 अप्रैल 1956 को उनका जन्म हुआ था और आदिवासी जीवन पद्धति पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया है। निमाड़ की लोक कलाओं पर भी उनका काम जाना पहचाना रहा है। चित्रकला में रुचि रखते हैं, कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं और उनकी प्रकाशित कृतियों में नींद से बाहर, पहाड़ों पर रात, चरसा, पालवा, जल में धूप, हत्या की पावन इच्छाएं, ये कहानी संकलन आ चुके हैं। यथार्थ की यात्रा कथा आलोचना है, प्रार्थना में पहाड़ और जस का फूल, ये उपन्यास काफ़ी चर्चित रहे हैं। बागेश्वरी पुरस्कार, इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी का पुरस्कार, शब्द साधक सम्मान, इस तरह के कई सम्मान पा चुके हैं। खरगोन में रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चित रहते हैं अपने विचारों को लेकर। इस संकलन में उनकी कुल 10 कहानियां हैं जिनके नाम हैं तितली धूप, एक पत्ता चांद, पहाड़ पर ठहरी नींद, पिशाच, एक डरे हुए पिता की चिट्ठी बेटी के नाम, अपवित्र कुंड, अमलता सूख रहा है असिता, कहाँ नहीं है हत्यारे, प्रेम गली अति सांकरी और जंगल। उनकी कहानियों में स्मृतियों का, अपने समय का और उस समय में जीवन स्पंदन का एक अद्भुत पुट दिखता है। वे रिश्तों में जो घाव हैं या रिश्तों में जो पीड़ा है या रिश्तों में जो कसक है उसकी बात करते हैं और भाषा और जीवन विमर्श का विन्यास तो उनके पास है ही। उनकी कहानियाँ ग्रामीण और आदिवासी जीवन की कहानियाँ हैं, इनके अलावा युवाओं की कहानियाँ हैं, उन सपनों और उस जीवन की कहानियाँ हैं, उस संवेदना की कहानियाँ हैं जिनसे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में जब पूरी दुनिया में सूचना तकनीक और दूसरे माध्यमों का प्रभाव है और बाजार बुरी तरह से हावी है, तब उनकी कहानियाँ मानवीय गरिमा और उसकी करुणा का संसार रचती हैं। मैं कुछ कहानियों की बात करूं तो जैसे उनकी एक कहानी है पिता, एक डरे हुए पिता की चिट्ठी बेटी के नाम। एक डरे हुए पिता की चिट्ठी बेटी के नाम एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसके लिए एक ऐसा सपना देखा कि बेटी किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे या बड़ी पदाधिकारी बने। बेटी वह बन भी जाती है, विदेश चली जाती है, चिट्ठियाँ लिखती है, ईमेल्स लिखती है, लेकिन पिता उसके घर में जहाँ बेटी बड़ी होती है छोटी छोटी चीज़ों को सजो के रखता है। किस तरह से उस बेटी की दादी उसके लिए कोई पेड़ लगाई थी, किस तरह से आलमारी पर कोई आला रखा होता है, किस तरह से घर और आंगन उस बेटी के विदेश से लौटने की बाट जो होता है, पिता अपनी चिट्ठी में वह सारी बातें बारीकी से बुनता है। इतनी बारीकी से बुनता है कि आप पढ़ते हुए कई बार उसकी करुणा, उसके प्रेम, उसके भाव में डूब जाएंगे। इसी तरह से जो पिशाच कहानी है, वो पिशाच कहानी जो भ्रष्टाचार है हमारी सरकारी तंत्र का, जो खेतिहर किसानों के ऊपर, ग्रामीण किसानों के ऊपर, ग्रामीण जीवन पर छाया हुआ है, जिसमें स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, जिला कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, प्रधान, हर तरह के लोग शामिल हैं और तरह तरह के सपने दिखाते हैं, तरह तरह के वादे दिखाते हैं और अंततः पिशाच की तरह से जिसमें थानेदार भी शामिल हैं, उस पूरे तंत्र को किसान को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं, उसकी कहानी है। प्रेम गली अति साकरी कहानी कॉलेज में उन लड़कियों की कहानी है जो आदर्श जीवन जीने की कोशिश करती हैं और इस बात का प्रयास करती हैं कि प्रेम का जीवन में, एक लड़की है जो कहती है कि प्रेम का जीवन में कोई अर्थ नहीं, प्रेम तो कभी भी मिल जाएगा, जबकि दूसरी लड़की है वो प्रेम में उमंग में हुलसित रहती है और अपने दोस्त को ढूंढती तलाशती रहती है और एक लड़की की तरफ आकृष्ट रहती है। ये दोनों पक्की सहेलियाँ हैं, एक जो बहुत पढ़ाकू है, दूसरी जो प्रेम की तरफ है, और
एक दिन पढ़ाकू लड़की के जीवन में धीरे धीरे इन दोनों के प्रेम प्रसंगों को सुनकर एक ऐसा आकर्षण बढ़ता है कि वह खुद अपनी कक्षा से विमुख हो जाती है, पढ़ाई उसकी प्रभावित होने लगती है और तब वह समझती है कि प्रेम गली अति सागरी है। ये कहानियाँ हमारे आसपास की हैं, हमारे जीवन की हैं। इन्हें पढ़ने में आपको एक अलग आनंद आएगा, आपको कहीं भी यह नहीं लगेगा कि यह कहानियाँ किसी दूसरे लोग की कहानियाँ हैं, आपको लगेगा कि ये कहानियाँ या तो हम इनके बीच जी रहे हैं या इनको पढ़ रहे हैं या ये हमारे आस पड़ोस में कहीं घटित हुई है। इस संकलन को तितली धूप को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। भालचंद्र जोशी की भाषा के कहने क्या हैं, वे एक उम्दा कथाकार हैं जो उनके कथा विन्यास में, उनके शिल्प में साफ साफ दिखाई देता है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल पेपर बैग्स। 199 रुपये इस संकलन का मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 174। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।